आइए स्वागत है निशा जी आइए नमस्कार इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल न्यास की तरफ से आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ आज हिंदी दिवस है इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं असमिया कविता पढ़ूंगी और साथ में उसका हिंदी अनुवाद दूंगी साथ साथ ही एक दो पंक्तियां अखुमिया की साथ में हिंदी की आप देखिएगा जो मैं बोलने जा रही हूं कि कितनी साम्यता है हमारी भाषा में असमिया उड़िया अभी एक बहन ने उड़िया में बोला बंगाली और चाहे कुमाऊनी चाहे भोजपुरी सब में सिर्फ उसके उच्चारण का फर्क है शब्द कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के संस्कृत और हिंदी के ही हैं कुछ शब्द ही अलग हैं तो जब मैं पढ़ूंगी आपको लगेगा कि अरे ये असमिया भी इतनी आसान है क्या अभी तक आपने असमिया को शायद सोचा होगा कि बहुत क्लिष्ट भाषा है तो मैं अपनी रचना पे आती हूँ जी स्वागत है आपका रचना का शीर्षक है मूर कॉलम अखमिया शीर्षक मूर कॉलम यानी मेरी कलम होकुलो कोरे लोवा मूर होकुलो कोरे लोवा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कॉलम टो ले लो मेरा सब कुछ मुझसे ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी होकुलो कोरे लोवा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कॉलम टो आपको बहुत आसानी से लग रहा होगा कि अखमिया कितनी आसान है कितियाबा हववाए कितियाबा कोंदवाए पृथ्वी भ्रमण करवाए होके बेरी धोड़ते ओ कोलोमाई हंत नार निजोर बोहाए होकुलो कोरी लोवा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कोलम टो कभी हसाती कभी रुलाती दुनिया की ये सैर कराती जब भी मैं हो जाती उदास झटपट उठकर अंख लगाती ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी पर मच्छीनो कलम मेरी क्या बात है बहुत सुंदर कोलम टोर मोलई अनुराग बहु अनुराग देखिए हिंदी का शब्द कोलम टोर मोलई अनुराग बहु दिनटो मूर होते कथा पते हुक दुखार हंगी मूर प्रतिखण एकोत मूर हते होकुलो कोरे लोवा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कॉलम टो बहुत प्यार करती है मुझसे बहुत प्यार करती है मुझसे करती दिन भर बातें मुझसे सुख दुख की है साथी मेरी सुख दुख की है साथी मेरी हर पल जुड़ी रहती है मुझसे ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी पर मच्छीनो कलम मेरी वाह 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 बहु गंभीर हम पर आसे प्रतिपल होके प्रतिपल होई थाके लगोरी मूर बहु गंभीर हम पर आसे हम पर संपर्क यानी अखमिया में खाली सा का च हो जाता है चाय को साय सागर होगर तो अभी आपको समझ में आ जाएगा बहु गंभीर हम्पर्क असे प्रतिपल होई थाके लगोरी मूर कोलम टोबे मूर मन पाहिबो पारे जीवनो संबंध होई असे तार हते मूर होकुलो कोरी लोबा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कोलम टो रिश्ता बहुत गहरा है मेरा रिश्ता बहुत गहरा है मेरा मन भी पढ़ लेती है मेरा हर पल बने सहारा मेरा बंधा जीवन संग इसके मेरा ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अंतिम पंक्तियां हैं मार दारे ममता मार दारे मार मा मार दारे ममता देवतारे दारे हुरक्षा दिए देवतारे देवता अखमिया में पिता को देवता बोलते हैं देवतारे दारे हुरक्षा दिए केतिया प्रेमिका होई हरबस उजारी दिए होकुलो कोरी लोबा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कोलम टो माँ जैसी ममता है देती माँ जैसी ममता है देती पिता जैसा संरक्षण देती बनकर कभी प्रेमिका ये अपना सर्वस्व लुटा देती ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी और
थोड़ा सा दो पंक्तियां और हैं ठाको ते आछे मूर बहु बंधु ठाको ते आछे मूर बहु बंधु दिनटो लाग दिए मूक मूर कलम एही विचार करी प्राकृत हुप चिंतक कौन हुकलो कोरी लोवा मूर पीसे नोकार हिबा मूर कलम तो यूं तो बहुत है संगी साथी यूं तो बहुत है संगी साथी रहते दिन भर साथ में मेरे परखा करती कलम उनको परखा करती कलम उनको जो सच्चे हित चिंतक मेरे ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर मच्छीनो कलम मेरी जीवनोर ए बेलात अंतिम पंक्तियां जीवनोर ए बेलात चिगी गोल जितिया होकलो बंधन जीवनर हेक होंदिया लोई के निचिगिल बंधन माथो इयर लोगत होकलो कोरी लोबा मूर पिसा नोकर हिवा मूर कलमटो जीवन के इस मोड़ पर जीवन के इस मोड़ पर रूठ गए सब रिश्ते नाते जीवन के इस मोड़ पर रूठ गए सब रिश्ते नाते पर ना रूठेगी ये मुझसे अंतिम रात तक साथ है मेरे पर ना रूठेगी ये मुझसे अंतिम रात तक साथ है मेरे ले लो मेरा सब कुछ मुझसे पर ना छीनो कलम मेरी पर मत छीनो कलम मेरी बहुत सुंदर और आज हिंदी दिवस है दो पंक्तियां हिंदी के लिए बोलना चाहती हूँ अगर अनुमति है करें हम प्यार तन मन से अपनी मातृभाषा को करें हम प्यार तन मन से अपनी मातृभाषा को नहीं समझे कभी छोटा अपनी मातृभाषा को नहीं समझे कभी छोटा अपनी मातृभाषा को सफल होगा जन्म तेरा बढ़ेगी शान दुनिया में सफल होगा जन्म तेरा बढ़ेगी शान दुनिया में अगर समझे हम अपनी माँ अपनी मातृभाषा को अगर समझे हम अपनी माँ अपनी मातृभाषा को धन्यवाद बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय निशा नंदिनी जी बहुत सुंदर इनके एक कवि का सबसे बड़ा हथियार कलम और जो कलम को ईमानदारी से चलाता है वो कैसे कविता बनाता है दो पंक्तियां आपके सम्मान में और आने वाले कवि के सम्मान में कि मैं तो कवि हूँ जो देखूंगा वही कहूंगा वही लिखूंगा मेरे सीनियर्स की कही हुई है कि मैं तो कवि हूँ जो देखूंगा वही कहूंगा वही लिखूंगा मैं पीड़ा का जायज बेटा बाजारों में नहीं बिकूंगा मैं तो कवि हूँ जो देखूंगा वही कहूंगा वही लिखूंगा मैं पीड़ा का जायज बेटा बाजारों में नहीं बिकूंगा मैं बिक गया कहीं अगर तो जग की राम कहानी कौन कहेगा पीड़ा गूंगी हो जाएगी कलमकार यदि नहीं रहेगा कलमकार यदि नहीं रहेगा जी हाँ इनकी कलम को प्रेम करती कविता मोर कलम मोर अनुराग और मोर अनुराग मोर साहित्यकार और मोर साहित्यकार अनुराग मिश्र गैर आइए अनुराग जी और आप जोरदार तालियां बजाइए आप अभी सहायक आयुक्त हैं हमारे आबकारी विभाग के आइए स्वागत है आपका मूलतः गजलें कहता था और सोचा था हिंदी पे कुछ कहूंगा लेकिन मातृभाषा की बात चली है तो हम जो है अवधी मेरी मातृभाषा है अयोध्या के पास मेरा गांव है तो मैं अपनी यहाँ अवधी जिसमें हमारा श्री रामचरितमानस लिखा है उसको जो है यहाँ प्रतिनिधित्व प्रदान कर दूंगा और सब लोग बीच में तालियां भी बजाएंगे मेरा आपसे निवेदन है मैं तहत में पढ़ता हूँ पहले तो हिंदी वाली सुन लीजिए ठाट बाट से रहना हिंदी इंग्लिश से मत डरना हिंदी ठाट बाट से रहना हिंदी इंग्लिश से मत डरना हिंदी माना कि घर में है साजिश पर भाषा अब भी है काबिज जनमानस तो तेरे संग है निर्भय होकर लड़ना हिंदी ठाट बाट से रहना हिंदी इंग्लिश से मत डरना हिंदी क्या बात है यह अंधियारा हार रहा है यह अंधियारा हार रहा है इधर उधर अब भाग रहा है बिखरेगा प्रकाश पुंज बस तूफा से यूं लड़ना हिंदी घर ठाट बाट से रहना हिंदी इंग्लिश से मत डरना हिंदी
घड़ियालों से दूरी रखना, घड़ियालों से दूरी रखना, घोषणाओं से चौकस रहना, पा जाओगी अपनी पदवी, कवियों के संग चलना हिंदी, ठाट बाट से रहना हिंदी, इंग्लिश से मत डरना हिंदी। अवधि की बस 3-4 लाइनें हैं। बोल सखी कहाँ गयो मेरे गांव, कोयल की कुकू ओ नदिया की छाँव, बोल सखी कहाँ गयो मेरे गांव, कोयल की कुकू ओ निमिया की छाँव। जुम्मन चाचा होलिया मनावें, जुम्मन चाचा ना होलिया मनावें, रमई काका ना ईदिया मनावें, जब से सियासत के दांव चली बा, सब ही लखत बाटे अपन दांव, बोल सखी कहाँ गयो मेरो गांव, कोयल की कुकू और निमिया की छाँव। भौजी कन्या भ्रूण हत्या पे है, अवधि जो है खड़ी हिंदी करीब है, देखें। भौजी ना अमिया बदे अब रूठे, भौजी ना अमिया बदे अब रूठे, रूठे तो अल्ट्रासाउंड बदे रूठे, भौजी ना अमिया बदे अब रूठे, रूठे तो अल्ट्रासाउंड बदे रूठे, कहें जो बेटी हो साफ कराए जा, मेडिकल के पसरा है गांव गांव पाँव, बोल सखी कहाँ गयो मेरो गांव, कोयल की कुकू और निमिया की छाँव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुराग मिश्र जी। नाम गैर लिखते हैं लेकिन वो हैं हमारे अपने। और अब भाई चंद्रमणि जी का मुझे निवेदन आदेश एक ही बात है, छोटे भाई हो कभी कभी आदेश भी कर सकते हैं आप, और बड़ों को मानना ही पड़ता है। आपने देखा ना, उसने आदेश किया था कि शुरुआत मेरे से होनी चाहिए, मुझे छोटे से बच्चे का आदेश मानना पड़ा। तो मैं शीला गहलावत सीरत आपके सामने गजल पेश कर रही हूँ। होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो, भाई बात नहीं बन रही, ऐसे हरियाणा के हैं वो तो ठीक है, एट ए टाइम मैंने कहा चलो कोई नहीं पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं, हरियाणा के तो थोड़ी ही तालियां हो जाए, और शोर नहीं, तालियां जरूरी। होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर पुण्य विश्वास जगाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर जादूगरिया छलिया कुछ तो हो तुम भी, जादूगरिया छलिया कुछ तो हो तुम भी, मेरे मन को आज लुभाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो, तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो, होठों पर आओ हमें भी दिखला दो तन्हाई में, आओ पलकों पर जो ख्वाब सजाए बैठे हो, तुम भी कैसे रात छुपाए बैठे।
बैठे हो होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो तुम भी कैसे रात छुपाए बैठे हो होठों पर दुनिया को देखो थोड़ा सीरत आओ दुनिया को देखो थोड़ा सीरत आओ खुद को खुद में उलझाए बैठे हो तुम भी कैसे रात छुपाए बैठे हो होठों पर मुस्कान सजाए बैठे हो तुम भी कैसे राज छुपाए बैठे हो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद शीला गहलावत जी अब तो मैं ठीक नाम बोलूंगा और हमारे मुझे अजय तोमर जी का भी नाम बोला है कमल धमीजा जी का भी नाम बोला है दो तीन नाम मेरे पास हैं लेकिन हमारे एक मित्र जाना चाहते हैं बहुत सीनियर ऑफिसर है बहुत सारे काम है उनको श्री मनोज बंसल जी मैं निवेदन करूंगा कि वो आए मनोज बंसल जी आइए आदरणीय चंद्रमणि जी को और सुनील हापुड़िया जी को प्रसन्नांशु जी को और मंच पर आसीन सभी और सभी कविगणों को मेरा प्रणाम हिंदी दिवस पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं और फिर एक छोटी सी गजल दूंगा प्यार क्या है प्यार क्या है ये किसको समझ आया है प्यार क्या है ये किसको समझ आया है हमें तो बस एक दर्द का ही एहसास हो पाया है प्यार क्या है ये किसको समझ आया है हमें तो बस एक दर्द का ही एहसास हो पाया है अगर इस दर्द को ही प्यार कहते हैं अगर इस दर्द को ही प्यार कहते हैं फिर तो हमने इसे ताउम्र पाया है फिर तो हमने इसे ताउम्र पाया है इसी दर्द के ऊपर एक गजल पढ़ूंगा मैं कैसे कहें कि तुम दिल के करीब हो कैसे कहें कि तुम दिल के करीब हो कैसे कहें कि तुम हमारे अजीज हो कैसे कहें कि तुम दिल के करीब हो कैसे कहें कि तुम हमारे अजीज हो झूठे हैं क्या दिल को आईना कहने वाले झूठे हैं क्या दिल को आईना कहने वाले दिले तस्वीर क्यों नजर आती नहीं तुम्हें कैसे कहें कि तुम दिल के करीब हो याद कहां होंगी तुमको वो मुलाकातें याद कहां होंगी तुमको वो मुलाकातें फुरकत में डूबी हसरत भरी वो आंखें कुछ कहने को लरजते वो सूखते होठ कुछ कहने को लरजते वो सूखते होठ और लाचारी भरी वो ठंडी आहें कैसे कहें कि तुम हमारे करीब हो काश ये दिल होता कागज की तरह देखिएगा काश ये दिल होता कागज की तरह सांस होती कलम और जज्बात स्याही काश ये दिल होता कागज की तरह सांस कलम और जज्बात स्याही पैगाम अपनी हसरतों का फिर हम भेज सकते तुम्हारी आंखों के सहारे पैगाम अपनी हसरतों का फिर हम भेज सकते तुम्हारी आंखों के सहारे कि तुम दिल के करीब हमारे अजीज हो कि तुम दिल के करीब हमारे अजीज हो हसरतों को हमारी आप क्यों कोसते हैं देखिए हमने पैगाम भेजा हसरतों का आगे देख हसरतों को हमारी क्यों आप कोसते हो बड़ी नजाकत से संवारा है हमने इन्हें हसरतों को हमारी क्यों आप कोसते हो बड़ी नजाकत से संवारा है हमने इन्हें शायद एक झूठी आस का सहारा है ये शायद एक झूठी आस का सहारा है ये गुजारनी है तन्हा जिंदगानी इन्हीं के सहारे कि तुम हमारे दिल के करीब हो कि तुम हमारे अजीज हो देखिए अब मैं जिन्हें मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ उन्हें काफ़ी महीनों से मैं जानती हूँ और कई बार उन्हें सुना है बाकी लोगों को सुना नहीं इसीलिए उनके बारे में कुछ कह नहीं पाई लेकिन इन्हें जानती हूँ इन्हें कई बार सुना है तो उनका परिचय मैं इन चार शब्दों में आपको देती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ जीती हो किसी ने सीमाएं तुमने तो दिलों को जीता है
जीती हो किसी ने सीमाएं, तुमने तो दिलों को जीता है। तुम राम रूप आदर्श बने, जीवन भगवत की गीता है। तुम गंगा का निर्मल पानी हो, कबीरा की अमृत वाणी हो, कबीरा की अमृत वाणी। निज मातृभूमि को जो मिट जाए, तुम वो अनमोल निशानी हो। जीती हो किसी ने सीमाएं, बहुत ज्यादा नहीं जानती लेकिन जितनी बार भी सुना है बहुत मीठा गाते हुए सुना है। और मैं इस महफिल में चार चांद लग जाएं इसीलिए आमंत्रित कर रही हूँ। भिवानी से पधारे आदरणीय विकास यशकीर्ति जी, जो जितना मीठा गाते हैं उतने ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं और उतनी ही साफ और पाक भावना से गाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास यशकीर्ति जी। आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे पीछे श्रोताओं से अनुरोध है कि कृपया एक मिनट मुझे सुन लीजिए, उसके बाद मेरा दावा है कि 10 मिनट मैं आपको हिलने नहीं दूंगा। चार पंक्तियां हिंदी को समर्पित करते हुए कुछ लिखने का प्रयास किया है। देखिए, बहुत कुछ आपने कविताओं में सुना है, कविताओं में विसर्ग का प्रयोग और गायन के साथ मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपके दिल तक पहुंचे तो एक बार तालियां पहले बजा दिए और एक बार फिर बाद में बजा देना, जोरदार तालियां के साथ। शिष्टता का मृदु आचरण हो गई, शिष्टता का मृदु आचरण हो गई। सौम्य सा खुशनुमा आवरण हो गई। अक्षरशः बाँचता हूँ उसे आजकल, अक्षरशः बाँचता हूँ उसे आजकल। वो मेरे गीत का व्याकरण हो गई, वो मेरे गीत का व्याकरण हो गई। और चार पंक्तियां देखिए। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई। मेरे दिल्ली वाले मित्र जरूर सुने इस पंक्तियों को। राह मेरी जिंदगी की नेक पथ सी हो गई। मुंह से निकली बात तेरी एक शपथ सी हो गई। आज रिक्शे से जो गुजरी तू मोहल्ले से मेरे, संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी हो गई। संकरी गलियां बेचारी राजपथ सी